मैं यशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही प्यारी ट्रे। इसको हम एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें सेंटर में होल करके हम इसको क्लोक का लुक भी बाद में दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। पूरी ट्रे पे मैंने ये स्टेंसिल वर्क किया है। तो ये स्टेंसिल वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या आपको इसके लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए, मैं सब बताऊँगी डिटेल में अपने वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो के लिए मैंने ली है ये एक MDF की ट्रे। मेरे पास ये एक पुरानी ट्रे पड़ी थी, इसके ऊपर कुछ पेपर चिपका था तो वो मैंने हटा दिया। तो बस इसके सेंटर में मैंने एक छोटा सा छेद कर लिया है क्योंकि हो सकता है बाद में मेरा मन बदल जाए और मैं इसको एक क्लोक की तरह यूज़ करूं। तो आप भी ये काम पहले करके रखिएगा, अगर आपका बाद में मन हुआ कि आप इसको क्लोक बनाना चाहते हैं तो छेद आप पहले कर लीजिएगा। तो अब हमें इसके लिए चाहिए है एक मिक्स मीडिया पेस्ट। ये है मेरे पास लिटिल बर्डी का मिक्स मीडिया पेस्ट। आप होममेड मिक्स मीडिया पेस्ट भी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये है मेरे पास क्राफ्ट गली से मैंने लिया था स्टेंसिल। तो बहुत ही प्यारे प्यारे ये डिज़ाइन है। तो हम इनमें से ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर नहीं, हम ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस आपको करना क्या है कि बहुत ही सावधानी से इसको पहले यहाँ पर रखेंगे बॉर्डर पे, और फिर अगर आप इसको होल्ड कर सके तो होल्ड कीजिए, नहीं तो आप दोनों साइड से इस पर टेप लगाकर इसको अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लीजिए ताकि ये हिले नहीं। और ध्यान रखिएगा कि ये टेढ़ा ना हो, एकदम इसके किनारे जो हैं वो लाइनअप हो जाए अच्छे से। अब हम एक पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा मॉडलिंग पेस्ट लेंगे और इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा नीचे का डिज़ाइन जो है एकदम इवन बने। बहुत ही सावधानी से हम अपना स्टेंसिल जो है रिमूव करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन जो है हमारा बनकर सामने आया है। अब हम इसके चारों कॉर्नर्स पर सेम डिज़ाइन जो है अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे कॉर्नर्स बनकर रेडी हैं। हल्के से मैंने इसको सुखा लिया है ड्रायर की हेल्प से। अब इस पे मैं ये बॉर्डर डिज़ाइन अप्लाई करूंगी स्टेंसिल का। ये मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से, लिटिल बर्डी का ये प्रोडक्ट है। इसको इस तरह से पेंसिल रख के मॉडलिंग पेस्ट के थ्रू अपना डिजाइन जो है ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए इसको भी हमने चारों कॉर्नर्स पे पूरी की पूरी फ्रेम पे हमने एक्चुअली इसको अप्लाई किया है। तो सेकंड वाला पार्ट अप्लाई करने के लिए आपको पहले वाले पार्ट को सुखाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्मज हो जाएगा। तो हेयर ड्रायर की हेल्प से आप इसको अच्छे से सुखा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ट्रे के चारों तरफ बॉर्डर जो है बनकर रेडी हो गया है। ये ऐसे ही कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें ज़रूरत है अंदर इसके जेसो अप्लाई करने की। तो ये जो 2-in-1 मिक्स मीडिया पेस्ट है इसमें ये जेसो का काम भी करता है। बस इसमें कुछ बूंदे मैंने पानी की मिला ली हैं। आप होममेड जेसो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको मेरी उस रेसिपी में मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। उसमें ये सारी सप्लाई जो है मैंने दे रखी है कि कैसे आप घर में चॉक पेंट, जेसो, मिक्स मीडिया पेस्ट बना सकते हैं। ये जैसो भी हमारा सूख गया है। अब हम इसके ऊपर एक और डॉयली वाला डिजाइन जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। ये मैंने लिया है क्राफ्ट गली से। तो ये देखिए यहाँ पर उनका मार्क भी लगा है CG क्राफ्ट गली। तो यहाँ पर हम इसको सेंटर में रखेंगे एकदम, और इसको भी हम टेप की हेल्प से स्टिक कर लेंगे और मॉडलिंग पेस्ट लेकर अच्छे से हम इवनली इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा डिजाइन जो है नीचे से अच्छे से नीचे जो है ट्रेस हो जाए। बहुत ही ध्यान से हम इसको रिमूव करेंगे स्टेंसिल को। तो ये देखिए हमारा डिजाइन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे। और मैंने इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट जो है अप्लाई कर दिया। वीडियो भी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ब्लैक कलर, सिंपल कोई भी एक्रेलिक कलर ब्लैक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्रेलिक या फैब्रिक या मल्टी सरफेस, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर इवनली अप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास है ये डस्ट पाउडर। ये मैंने सिल्वर लिया है, आप चाहें तो गोल्ड या मेटैलिक कोई भी कलर ले सकते हैं। बस इसको अपनी फिंगर पर लेना है थोड़ा सा कलर, और इस तरीके से हल्का हल्का इसको अप्लाई करते हुए इस तरह से रब करना है। जितना भी हमारा उभरा हुआ पार्ट है, स्टेंसिल वाला पार्ट है,
खाली उतनी जगह पे हमें इसको कलर को रब करना है। जितने अच्छे से हम इसको रब करेंगे वो उतनी ही शाइन जो है स्टेंसिल वर्क पे आएगी। बहुत हल्का कलर लेंगे नहीं तो इस कलर के जो है कलर जो है नीचे बेस पे भी चला जाएगा, तो वो आपका वर्क जो ऊपर स्टेंसिल वाला वर्क है वो शो नहीं होगा। तो बहुत ही आहिस्ता से ये काम कीजिएगा, धीरे धीरे। मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड किया है, किया मैंने भी बहुत धीरे धीरे था। तो इस तरह से हम पूरी ट्रे पे जो इसके सारे बॉर्डर्स हैं इसके चारों तरफ हम इसी तरह से अपना कलर जो है धीरे धीरे स्प्रेड कर लेंगे। जहाँ आपका कलर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, टिश्यू पेपर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई कलर है इसलिए इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अगर ज़्यादा डर्टी हो गया है तो आप वापस से ब्लैक कलर कीजिए, सुखाइए और फिर ये कलर अप्लाई कीजिए। और एक लास्ट काम जो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है वो होता है वार्निश। जब ये आप कलर कर लें तो इसके ऊपर वार्निश का कोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वाला कलर जो है परमानेंट नहीं होता है। ड्राई डस्ट कलर जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, इनको परमानेंट बनाना पड़ता है। तो देखिए इसके किनारों पर भी हमने कर ली तो कितनी अच्छी है रॉयल एंटीक लुक इसके साथ आ रही है। जैसा वो होता है ना जयपुरी कुछ फ्रेम्स मिलते हैं इस तरह के, तो वैसा वाला लुक आ गया है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।